नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, सनातन और हिंदू धर्म के जीवन मूल्यों के अमर ध्वजवाहक थे गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की रामायण के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना के माध्यम से देशवासियों के समक्ष राम राज्य का ऐसा अद्भुत आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया कि लोकमंगल के अमर गायक के रूप में जनमानस के हृदय में गहरे रच बस गए। विक्रमी संवत 1500 निवासी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर नामक ग्राम में श्रावण शुक्ल सप्तमी की पावन तिथि को गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इस महामानव का आगमन मध्ययुग की ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ था जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे मंदिर तोड़ रहे थे, गुरुकुल नष्ट किए जा रहे थे, शास्त्र और शास्त्रज्ञ दोनों विनाश को प्राप्त हो रहे थे। उस अंधयुग में गोस्वामी तुलसीदास प्रचंड सूर्य की भांति उदित हुए और अपनी भक्तिपूर्ण साहसिक लेखनी से सनातन जीवन मूल्यों की धर्म ध्वजा पूर्ण प्रखरता से लहराई। महर्षि वाल्मीकि रामायण के आधार पर गोस्वामी ने जन भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना के माध्यम से देशवासियों के समक्ष राम राज्य का ऐसा अद्भुत आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया कि लोकमंगल के अमर गायक के रूप में जनमानस के हृदय में गहरे रच बस गए। लाज ने आई आपको दौरे आहे ओ नाथ, अस्थि चर्म में देह यह तासों ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भव भीत। विदुषी पत्नी रत्नावली की इस फटकार ने युवा राम बोला के अंतस में परसुप्त राम तत्व को जागृत कर दिया और ग्रह त्याग कर बाबा नर हरिदास से गुरु दीक्षा प्राप्त करके वे प्रभु श्री राम की भक्ति में आकंठ डूब गए। काम पर राम की महाविजय ने देशुक के आकांक्षी युवा को गोस्वामी तुलसीदास के रूप में भारतीय अध्यात्म जगत की महानतम विभूति बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास लोकमंगल के अमर प्रणेता हैं। आदर्श समाज की संरचना उनके सृजन का मूल है। अपनी रचनाओं द्वारा उन्होंने समाज में फैली अनेक कुरीतियों और समाज में उत्पन्न बुराइयों की आलोचना भारत की पुरातन वैदिक संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा की थी। अपने ग्रंथ तुलसी और उनका काव्य में पंडित राम नरेश त्रिपाठी लिखते हैं, विश्व राजनीति को दिया गया गोस्वामी जी के राम राज्य का आदर्श ही वस्तुतः पूर्ण लोकतंत्र है। इसी तरह हिंदी साहित्य में तुलसीदास के अवदान को उल्लिखित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद कहते हैं, तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित सुधारक थे, लोकनायक थे और भविष्य के सृष्टा थे। इन रूपों में उनका कोई भी रूप किसी से घटकर नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की। इसी तरह राष्ट्रकवि दिनकर लिखते हैं, तुलसीदास में भावना और ज्ञान दोनों का प्राचुर्य है। वे भारत के उन महान कवियों को की श्रेणी में आते हैं जो अपनी आनंददायिनी कला का उपयोग मुख्यतः जीवन को सार्थक करने और जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए आजीवन करते रहे। युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के शब्दों में कहें तो वाल्मीकि जी की कथा का प्राण तत्व शोक था और शोक से
श्लोक पैदा हुए जो उनके सृजन की प्रेरणा बना। जबकि तुलसीदास का आत्मा अनुभव राम से जुड़ता है, राम का जीवन संघर्ष उनकी राम कथा का विस्तार है। तुलसीदास की मानवीय करुणा को पल्लवित करने वाला मूल मंत्र है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। धर्म अधर्म की यह नई परिभाषा तुलसी ने लोक हित के सिद्धांत पर निर्मित की है। उनकी दृष्टि में धर्म साहित्य और राजनीति सबकी एकमात्र कसौटी है, सार्वजनिक हित। वे कहते हैं, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवश्य नरक अधिकारी। यह तुलसीदास के लोकवादी लोक मंगलकारी रूप की पहचान है। महाकवि तुलसीदास जीवन दृष्टा थे, उनकी लोक दृष्टि अलौकिक थी। उन्होंने आदर्श की संकल्पना को यथार्थ जीवन में उतारा। यह तुलसी साहित्य की विशिष्टता ही है कि आधुनिक युग में सबसे अधिक आलोचना ग्रंथ और शुद्ध प्रबंध तुलसी साहित्य पर हुए हैं। भले ही गोस्वामी जी की लोकप्रियता का मूल आधार श्री रामचरितमानस है, किंतु काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के अनुसार अपने 126 वर्ष के सुदीर्घ जीवन काल में गोस्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इनमें प्रमुख हैं राम ललना हछु, वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, ज्ञान की मंगल, रामाज्ञा पर्षण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई छंदावली, रामायण, कुंडलिया, कुंडलिया रामायण, रामशलाका, संकट मोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना छपे रामायण, कवित रामायण, कली धर्मा धर्म निरूपण, हनुमान चालीसा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुसार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना का शुभारंभ 1631 में रामनवमी के दिन से किया था। देव योग से उस वर्ष वैसा ही योग आया था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में संवत 1633 के मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन सातों कांड पूर्ण कर उनका यह अद्भुत ग्रंथ संपूर्ण हुआ था। अंग्रेजों ने जब हजारों भारतीयों को गुलाम बनाकर मॉरीशस और सूरीनाम आदि के निर्जन द्वीपों पर पटक दिया था, तो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में हमारे पूर्वज तुलसीदास जी की रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लेकर वहां गए थे और यही उनका संबल बना था। मॉरीशस, सूरीनाम, गुयाना आदि देश में इनका पाठ करके वे अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रख सके। तुलसीदास ने उन्हें भाग्यवाद को छोड़कर पुरुषार्थवादी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन देशों में अक्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सूत्र रूप में कहें तो अद्भुत रचना संसार है गोस्वामी जी का, जिनको गा गा कर आज भी हजारों लोग अपनी रोजी चला रहे हैं। मनस के व्याख्याता बनकर पुरस्त हो रहे हैं। मनस की सुगंध से ही हजारों घर पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं। भारत के कोने कोने में आज भी रामलीलाओं का मंचन होता है। उनके जयंती के उपलक्ष्य में देश के कोने कोने में रामचरितमानस तथा उनके निर्मित ग्रंथों का पाठ किया जाता है। रामचरितमानस की वैश्विक लोकप्रियता, गोस्वामी तुलसीदास की कालजयी कृति रामचरितमानस की अतिशय लोकप्रियता व महत्ता के कारण भारतीय ही नहीं अपितु बड़ी संख्या में विदेशी विद्वान भी तुलसी साहित्य के प्रति आकर्षित हुए हैं। विश्व की अनेक भाषाओं में इस महाग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। विश्व में विभिन्न महाविद्यालयों में 1000 से अधिक शोध कार्य उन पर हो चुके हैं। रूस के प्रख्यात प्रोफेसर चालीसेव के अनुसार रामचरितमानस समाज का दर्पण और भारत का सांस्कृतिक दस्तावेज है। बताते चलें कि तुलसी साहित्य पर लेखनी चलाने वाले विद्वानों में
सुप्रसिद्ध रूसी साहित्यकार अलेक्सेई वारंसी को 1890-1952 का नाम बेहद आदर से लिया जाता है। अलेक्सेई ने 10 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तुलसीकृत रामचरितमानस का रूसी भाषा में छंदोबद्ध अनुवाद किया, जिसे सोवियत संघ की साहित्य अकादमी द्वारा 1948 में प्रकाशित किया गया और इसके लिए उन्हें वहाँ के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ लेनिन से अलंकृत किया गया था। इनके अलावा रूसी विद्वान व संगीतकार जीवानी मिखाइलो व नतालिया गुसोवा ने रामकथा की कथा वस्तु को लेकर बच्चों के लिए रंगमंचीय संस्करण तैयार किया था। इसी तरह तुलसी के रचना संसार का अनुशीलन करने वाले पाश्चात्य चिंतकों में अमेरिका के अब्राहम जॉर्ज गियर्सन का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गियर्सन तुलसीदास के रचना संसार से इस कदर प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसके अध्ययन के लिए अपने देश के संस्कृत विद्वान एटिंगसन से संस्कृत तथा हिंदुस्तानी विद्वान मीर औलाद अली से उर्दू सीखी थी। गियर्सन के गोस्वामी तुलसीदास के मानस से प्रेम का अनुमान इसी से लगा जा सकता है कि उन्होंने 1886 में ऑस्ट्रिया के वियना नगर में आयोजित प्राचीन विद्या विशारदों के अधिवेशन में हिंदुस्तान की मध्यकालीन भाषा साहित्य विशेषकर तुलसी के संबंध में प्रबंध ग्रंथ पढ़कर विद्वत सभा में मौजूद साहित्य प्रेमियों को अभिभूत कर दिया था। कुछ अर्से बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में प्रकाशित गियर्सन के लेख द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में तुलसीदास व उनके रचना संसार का विशद विवेचन हुआ। तुलसीदास व उनके मानस के प्रति गियर्सन के प्रेम का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 1893 में उनका नोट्स ऑन तुलसीदास शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके बाद गियर्सन ने 1912 में इंपीरियल गजट के लिए भी तुलसीदास पर लेख लिखा था। इसी क्रम में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में गियर्सन का क्या तुलसीदास कृत रामचरितमानस रामायण का अनुवाद है शीर्षक से लेख 1913 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की महत्ता को सिद्ध किया था। 1921 में प्रकाशित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में भी गियर्सन ने तुलसीदास के राम संबंधी लेख लिखा था। अब्राहम जॉर्ज गियर्सन की तरह अमेरिकी विद्वान मीसो कैवलैंड भी मानस की कथाओं से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने रामकथा को बाल साहित्य के रूप में रूपांतरित किया व उसका प्रकाशन एडवेंचर ऑफ रामा शीर्षक से किया था। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले दूसरे महत्वपूर्ण विदेशी विद्वान हैं फ्रांस के गारसा दाता जी। इस फ्रांसीसी विद्वान ने तुलसीदास के रामचरितमानस के सुंदरकांड का फ्रेंच में अनुवाद किया, जो फ्रांस में ही नहीं आसपास के कई देशों में भी खासा लोकप्रिय हुआ। इस क्रम में तीसरा महत्वपूर्ण नाम है इंग्लैंड के विद्वान एफ एस ग्राउज का। ग्राउज ने मानस के काव्य तत्व का अनुशीलन करते हुए तुलसी के रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण का तुलनात्मक अध्ययन किया था। ग्राउज मानस के पहले विदेशी चिंतक हैं जिन्होंने रामचरितमानस का अंग्रेजी में अनुवाद किया। द रामायण ऑफ तुलसीदास नामक शीर्षीय ग्रंथ पृथक भागों में 1871 से 1878 के बीच प्रकाशित हुआ था। सरकारी प्रेस इलाहाबाद से इस ग्रंथ के प्रथम भाग बालकांड का अनुवाद द चाइल्डहुड शीर्षक से हुआ। ज्ञात होगी चीनी भाषा में भी रामकथा का अनुवाद मिलता है। लोक कथाओं के रूप में तुलसीदास की अमूल्य कृति रामचरितमानस का प्रचार जापान के अलावा श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, वर्मा, भूटान आदि अनेक देशों में बड़े पैमाने पर हुआ। बंगाल के विद्वान मेजर जनरल चार्ल्स स्टुअर्ट भी
तुलसीदास के साहित्य से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने तुलसी की राम कथा पर न सिर्फ शोध किया वरन उनके राम को स्वेच्छा से अंगीकार भी कर लिया। हमारे पड़ोसी व विश्व के अकेले हिंदू राष्ट्र नेपाल में तो तुलसी व उनकी राम कथा बहुत लोकप्रिय है। नेपाली भाषा में रामचरितमानस का पद्यानुवाद नेपाली कवि व नाटककार पहलमान सिंह सवार ने किया तथा उनके बाद कवि कुल चंद्र गौतम ने नेपाली टीका की। भारत में रहकर मानस पर शोध करने वाले इटली के विद्वान डॉक्टर लू जीपियो तेसितोरी तो अब शोध का विषय बन गए हैं। भारत में दो स्थलों पर तेसितोरी के स्मृति चिन्ह मौजूद हैं। पहला स्थान है बीकानेर में ईसाइयों का कब्रिस्तान, जहां गुजराती सेठ श्री हजारीमल बांडिया द्वारा उनकी कब्र बनवाई गई थी। दूसरा स्थान है कानपुर की मोती झील स्थित तुलसी उपवन, जहां पंडित बद्री नारायण तिवारी द्वारा उनकी स्मृति में शिला लेख लगवाया गया था। जानना दिलचस्प होगा कि गीता प्रेस गोरखपुर के रामांक में विदेशी विद्वानों के मानस प्रेम से जुड़ा एक विस्तृत आलेख प्रकाशित हुआ था। धन्य है भारत के महान कवि तुलसीदास जी को। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते।